पिछले एपिसोड में आप सबने देखा। आज मैं तुम्हारी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा विक्रांत। तुम लोगों की बंदूकें मेरे इस हथियार के सामने खिलौने की जैसी हैं। देखो अपनी हालत इंस्पेक्टर, तुम इतने जख्मी हो फिर भी मुझे तुम मारना चाहते हो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से सारा भी प्यार नहीं है इंस्पेक्टर? इससे पहले प्लाज्मिक बीम इंस्पेक्टर अजय को लगती, तभी अचानक न जाने कहां से कैप्टन रिवान यानी कि वंश आ जाता है और इंस्पेक्टर अजय के आगे खड़ा हो जाता है। और अब आगे हम देखते हैं कि कैप्टन रिवान इंस्पेक्टर अजय के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इंस्पेक्टर अजय की जान बच जाती है और जो प्लाज्मिक बीम करीम के गॉन्टलेट से निकली थी वो कैप्टन रिवान के सीने में जाकर लगती है। इसके बाद कैप्टन रिवान अजय से कहता है, लगता है तुम्हारा पला आज किसी मामूली मुजरिम से नहीं पढ़ाया जाए। इंस्पेक्टर अजय कहते हैं, खींच लो मेरी टांग, उस दिन मैंने तुम्हारी खींची थी, आज तुम भी खींच लो। जिस पे कैप्टन रिवान कहता है, अच्छा सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, वैसे तुम ठीक तो हो ना अजय, और ये सामने जोकर कौन है? इंस्पेक्टर अजय कहते हैं, तुम उसे जाकर खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? फिर कैप्टन रिवान करीम से कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हारी हालत नाजुक बना दूं, अपने आप को चुपचाप पुलिस के हवाले कर दो। जिस पे करीम कहता है, आज तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते कैप्टन, मैं तुमसे पहले भी नहीं डरता था और आज भी नहीं डरूंगा। फिर कैप्टन रिवान करीम की आवाज़ सुनकर उसे पहचान लेता है और उससे कहता है, रुको ज़रा एक मिनट, क्या तुम वही हो बंदूकों की दीवाने? पिछली बार तो तुम मुझ पर हमला करके भाग गए थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, हार मान लो और तुमने अपने शरीर में ये जो कुछ भी पहन रखा है उसे उतार कर फौरन फेंक दो। और करीम जवाब देते हुए कहता है, मैंने अभी अभी पुलिस वालों की पूरी पलटन को धूल चटाया है और अब तुम भी मेरे रास्ते में आ रहे हो कैप्टन, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना सुनते ही कैप्टन रिवान करीम की तरफ तेजी से बढ़ता है और करीम अपने प्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्ट के नीचे लगे बटन को मीडियम से हाई कर देता है, जिससे प्लाज्मिक बीम की इंटेंसिटी कई गुना बढ़ जाती है। और करीम चिल्लाकर बोलता है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कैप्टन, आ जाओ। और इतना कहकर करीम कैप्टन रिवान पर हमला कर देता है, जिससे करीम के कॉन्ट्रैक्ट से निकली पावरफुल प्लाज्मिक बीम सीधा कैप्टन रिवान के पेट पर जा लगती है और कैप्टन रिवान दूर एक दीवार से जा टकराता है। फिर करीम अपने आप से कहता है, उम्मीद है कि तुम अब दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आओगे कैप्टन। फिर करीम अपनी कार का डोर खोलता है और कार में बैठने जाता है, लेकिन तभी कैप्टन रिवान वहां आकर करीम की कार को उठा लेता है और दूर फेंक देता है, जिस पे करीम गुस्सा होकर कैप्टन रिवान से कहता है, तुमने दोबारा मेरी कार को हाथ भी कैसे लगाया, अब ये लो। और करीम फिर से कैप्टन रिवान पर अपने प्लाज्मिक कंट्रोल से हमला कर देता है और एक के बाद एक हमला करता ही जाता है, लेकिन कैप्टन रिवान बार बार उसके हमले को डॉज करता जाता है। और कैप्टन रिवान को हर हमला से बचता देख करीम और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और धीरे धीरे वो घबराने लगता है। फिर करीम अपने आप से कहता है, नहीं नहीं करीम, तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा, तुम कैप्टन को हरा सकते हो, शांत रहो शांत रहो और कुछ सोचो। फिर करीम एक जगह खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम इधर उधर मेरे हमले से बचने के लिए भाग रहे हो, तो लो मैं हमला करना ही बंद कर देता हूँ, देखते हैं अब तुम क्या करते हो कैप्टन। और आसमान की ऊंचाई पर कैप्टन रिवान करीम को देखकर अपने आप से कहता है, शायद उसका हथियार काम करना बंद कर दिया है। और फिर कैप्टन रिवान करीम की तरफ तेजी से बढ़ता है और इधर नीचे करीम कैप्टन रिवान को अपनी ओर तेजी से आता देखकर कहता है, यही तो मैं चाहता था। और करीम पीछे मुड़कर कैप्टन रिवान पर फिर से जोरदार हमला करता है और कैप्टन रिवान इस बार हमले से नहीं बच पाता और वह फिर से दूर जाकर एक दीवार से जा टकराता है। और कैप्टन रिवान अपने आप से कहता है,
मैंने इसे नासमझ समझा था, लेकिन ये नासमझ बिल्कुल भी नहीं है। और इधर करीम दौड़ते हुए कैप्टन रेवान की तरफ आता है और वह फिर से अपने प्लाज्मिक कॉन्ट्रोलेट के नीचे लगे बटन को दबाता है ताकि प्लाज्मिक बीम की इंटेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाए। फिर करीम कैप्टन रेवान के पास पहुंचकर उसकी ओर अपने प्लाज्मिक कॉन्ट्रोलेट को पॉइंट करके कहता है, क्या तुम्हें पता है कैप्टन, दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी से नफरत करता हूँ तो वह तुमसे करता हूँ। तुम्हारे आने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया। दुनिया भर की सरकार तुमसे डरने लगी और पब्लिक तो तुम्हें अपना भगवान ही मानने लगी। दिन रात मैं यही सुनता रहता हूँ, कैप्टन रिवान ने ये किया वो किया, यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई भी तुम्हारी तारीफें करते वक्त थकता नहीं है। सब तुम्हारी ही बातें करते रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में तुम्हारी मूर्ति बनाई जा रही है। भगवान के साथ साथ लोग तुम्हारी भी पूजा करने लगे हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो, इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली जीव? लेकिन क्या हो अगर यही शक्तिशाली जीव एक दिन किसी बात को लेकर नाराज या बेकाबू हो जाए और बेकाबू होकर एक एक आदमी को मौत के घाट उतारता चला जाए? ठीक उसी तरह बिल्कुल आज से 4 साल पहले जिस तरह उस मॉन्स्टर ने सबकी जान ली थी रीवा शहर में। तुमने उस मॉन्स्टर को रोककर कई तो जाने बचा ली, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी यही गलती थी कि तुमने मेरे अम्मी अब्बू को नहीं बचाया। आखिर उनकी गलती ही क्या थी, तुम ही बताओ, है कुछ तुम्हारे पास जवाब? और आज तक मैं ये सोचता रहता हूँ कि तुम आए कहाँ से हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। दिखते तो तुम बिल्कुल इंसानों जैसे हो, लेकिन उनसे तुम कहीं ज़्यादा ताकतवर हो, और यही ताकत सब इंसानों के लिए एक दिन खतरा बन के रहेगी। फिर कैप्टन रिवान करीम से कहता है, मुझे इस बात का बेहद दुख है कि मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं बचा पाया। और करीम चिल्ला कर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और ये झूठी हमदर्दी अपने पास रखो। और इतना कहते ही करीम कैप्टन रिवान पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी करीम के प्लाज्मिक कॉन्ट्रोल में कुछ खराबी आ जाती है क्योंकि करीम ने इंटेंसिटी बढ़ा दी थी और जो प्लाज्मिक रिएक्टर कोर से गॉन्ट्रोलेट को पावर मिल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा मिल रही थी, जिसकी वजह से गॉन्ट्रोलेट ओवरलोड हो जाता है। और तभी वंश उठता है और करीम का हेलमेट उसके सर से निकाल कर मसल देता है और उसके हाथ से उसका प्लाज्मिक गॉन्ट्रोलेट भी निकाल कर दूर फेंक देता है। इसके बाद कैप्टन रिवान प्लाज्मिक रिएक्टर कोर को करीम की पीठ से खींच कर उतार लेता है और उसे अपने पैरों तले कुचल देता है और प्लाज्मिक रिएक्टर कोर टूट जाता है। फिर करीम कैप्टन रिवान से कहता है, आज तुमसे लड़ते लड़ते मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इतना कहकर करीम जोर से कैप्टन रिवान के पेट पर मुक्का मारता है, लेकिन उल्टा करीम को ही दर्द होता है और कहता है, आह मेरा हाथ। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन रिवान करीम का गला पकड़कर ऊपर उठा लेता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं प्लाज्मा मैन के अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके जो वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं वो आपको कितनी अच्छी लगती हैं। आपके लाइक और अच्छे कमेंट्स ही हमारा हौसला कई गुना बढ़ाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और अगर आपको नए सुपर हीरोज़ की ओरिजिन स्टोरी और उनकी सुपर पावर्स जानना है तो हमारे एवी कॉमिक्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय कॉमिक लवर्स।